पर वहां की स्पेन की नेवल फोर्स ने उसको छुड़ाया, बलपूर्वक छुड़ाया, समझौता करके छुड़ाया, फिरौती देकर छुड़ाया, इसका पता नहीं लग सका, पर नेवल फोर्स ने छुड़ाया इतना पता लगा। हमारे यहाँ भारत के बहुत सारे इसी तरह के नाविक जो मर्चेंट शिपिंग में काम करते हैं, और कभी इनकी दर्दनाक तकलीफ को समझिए कि ये वो बच्चे हैं जो मध्यवित्त और निम्न मध्यवित्त परिवार से आते हैं, और ये छोटी मोटी शिपिंग, मर्चेंट शिपिंग की ट्रेनिंग लेकर, चाहे वो डिप्लोमा कोर्स हो, चाहे वो अपना पॉलिटेक्निक का कोर्स हो, चाहे डिग्री कोर्स हो, वो करके एजेंटों को लाखों रुपया घूस देकर यहां नौकरी प्राप्त करते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, पिछले एक एक साल से लोग बंधक पड़े हुए हैं, और ये समुद्री लुटेरे सोमालिया के समुद्री लुटेरे जो जिन्होंने सोमालियन कोस्ट और इंडियन ओशियन को एक टारगेट बना लिया। आश्चर्य यह हो रहा है कि भारत सरकार सो रही है, भारत सरकार इसके बारे में कोई काम नहीं कर रही। कुछ दिन पहले अखबार में बहुत बड़ी खबर और टीवी पे खबर दिखाई गई कि सोमालियन सी पायरेट्स को हमारे कोस्ट गार्ड ने और नेवल फोर्सेस ने गिरफ्तार किया है, पर आपको सुनकर आश्चर्य होगा, उनको गिरफ्तार कहां किया गया था कि वो अपना समुद्री लुटेरों का धंधा चलाते चलाते अपने सोमालिया से 1500 माइल नॉटिकल माइल्स दूर लक्षद्वीप के पास तक पहुंच गए थे। उनको लक्षद्वीप के पास गिरफ्तार किया गया था। तो जो हमारा इमर्जिंग इंडिया, इमर्जिंग इकोनॉमी इंडिया का जो सपना है ना, हमारा जो रास्ता है, हमारी प्रगति का पथ जो है, वो हमारा ये हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है, और इंडियन ओशियन में अगर गड़बड़ हो गई, और इंडियन ओशियन अगर गड़बड़ा गया, और अगर वहां से मालवाहक जहाज आने जाने में इस तरह से किडनैपिंग और हाईजैकिंग होती रही, तो सारा धंधा बंद हो जाएगा। आप देखिए, चाइना ने अपने सी रूट को सेफ रखा हुआ है, इंडिया का सी रूट गड़बड़ हो गया, इसके पीछे क्या षड्यंत्र है भगवान जानता है, किंतु इसको, इस बात को, सोमालिया के इस तकलीफ को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 2009 में और 2010 में रिजोल्यूशन के माध्यम से पास किया। उन्होंने 2009 में उनके रिजोल्यूशन नंबर 1897 और 2010 में 1918, 2010 में उन्होंने रिजोल्यूशन पास किया कि इस मेनस को मीट करने के लिए उन्होंने ग्रुप बनाया बकायदा, जिसका नाम है कॉन्टेक्ट ग्रुप ऑन पायरेसी ऑफ द कोस्ट ऑफ सोमालिया, CGPCS। हमने आज विदेश मंत्री से यही सवाल किया, क्या आपने भारतीय बच्चों को छुड़ाने के लिए ये CGPCS के साथ में कॉन्टेक्ट स्थापित किया है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक संस्था है जो उनके साथ कॉन्टेक्ट करके इनको निगोशिएट कराती है। उनको इस विषय का नहीं पता था, वो अनभिज्ञ थे कि ऐसा भी कोई ग्रुप है। वो इससे भी अनभिज्ञ थे कि इंटरनेशनल ट्रस्ट फंड क्रिएट किया गया है सोमालियन पायरेट्स को डील करने के लिए। इंटरनेशनल ट्रस्ट फंड क्रिएट किया गया है कि उसमें सपोर्ट देकर किसी तरह से रास्ता निकाला जाए। आश्चर्य की बात है, जहाज इंश्योर्ड है, जहाज में जो माल लदा हुआ है वो इंश्योर्ड है, किंतु जहाज में जो नाविक काम कर रहा है या मजदूर काम कर रहा है उसकी कोई इंश्योरेंस नहीं। दुबई का एक जहाज पिछले एक साल से वहां पर है जिसमें भारतीय लोग हैं, और वो जहाज, वो कह रहा है, दुबई का मालिक कह रहा है कि मेरा जहाज की कीमत वो जंक हो गया है, उसको डूब जाने दो, माल डूब जाने दो, इंश्योर्ड है, उसके पैसे मिल जाएंगे, हम ये पैसा रैंसम दे के छुड़ा नहीं सकते। इजिप्ट का एक जहाज है जिसमें कल वो बच्चियां यहां पर आई थी मिलने के लिए,
इजिप्ट का जहाज है, इजिप्ट कहता है, उसका मालिक कहता है कि हमारा तो गड़बड़ हो गई है हमारे देश में, हम इसको बचा नहीं सकते, आप अपनी सरकार से बात करिए। यहां मंत्री कहते हैं कि हम कर नहीं सकते, और मंत्री जी ने आज जवाब देते हुए क्या कहा कि हम एग्रेसिव नहीं हो सकते। अमेरिका का जहाज छुड़ाने के लिए अमेरिकन जब गए थे तो उन्होंने 4 आदमियों को मार दिया था, इसी डर से हम नहीं जाएंगे। पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे नाविक भी फंसे हुए हैं इसमें, आपके नाविक भी फंसे हुए हैं, चलिए हम दोनों मिलकर आगे बढ़कर जाकर दोनों एक ज्वाइंट फोर्स से जाकर वहां छुड़ा के ले आए। अरे इस पहल को भी तो मान लो, या आप ही कदम उठाओ। आपने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के इस बार सदस्य हो, अभी सदस्य बने हो 2 साल के लिए, और परमानेंट सीट के लिए आप क्लेम कर रहे हो, आप लीड लीजिए, क्योंकि सोमालिया के इन पायरेट्स ने एक तहलका मचाया हुआ है, और समुद्री लुटेरों ने उस रास्ते पर इतनी दहशत पैदा की हुई है कि उस इलाके से कोई गुजर नहीं सकता। टोटल ट्रेड और कॉमर्स बंद हो गया, और भारत को इसकी ज्यादा चिंता इसलिए करनी चाहिए कि हमारी जो इमर्जिंग इकोनॉमी है ये खतरे में पड़ जाएगी। वो तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के शिप्स है, वो तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। ये जो बच्चे हमारे नौकरियां कर रहे हैं, ये शिप्स जो है ये मर्चेंट शिप्स हैं, और इसके मालिक कोई नॉर्वेजियन है, कोई लीबियन है, कोई अपना इजिप्शियन है, कोई दुबई का रहने वाला है, ये लोग वहाँ के शिप हैं, पर हमारे बच्चे भारतवासी वहाँ काम कर रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में फंसे हुए, एक दो नहीं, और ये परिवार खतरे में पड़े हुए, इनको बचाने की भारत सरकार को पहल करनी चाहिए। सरकार के सपोर्ट में चल रही है क्या, ये बताइए कि वहाँ की गवर्नमेंट भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है, बाहर की भी नहीं कर रहे। सोमालिया में इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और दूसरे के बीच में एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है, और ये कन्फ्लिक्ट आज का नया नहीं है। आपको पता होगा कि इसमें हमने भारत एक पहला देश है जिसने वहाँ पर पीस कीपिंग फोर्स, जब अमेरिका ने भेजी थी यूएन पीस कीपिंग फोर्स, तो वो वहाँ काम नहीं कर सकी थी, भारतवासी भेजे गए थे, भारतीय पीस कीपिंग फोर्स गई थी और उन्होंने काम किया था। लोगों ने उसकी सक्सेस स्टोरी पूछी थी कि उसका कारण क्या है, तो उन्होंने कहा बहुत साधारण है, सोमालिया के लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, और तरह तरह की बीमारियों से, रोगों से ग्रसित हैं, तो हम वहाँ पर दिन भर मेडिकल कैंप लगाते हैं, हम उनका इलाज करते हैं, क्योंकि अमेरिका के जब फोर्सेस गई थी तो उनके हेलीकॉप्टर मार के गिरा दिए थे, कि वो असला इतना है उनके पास में, वो जहाज गिरा दिया तो वो चले गए वापस। तो इंडियन पीसकीपिंग फोर्स गई, उन्होंने हेलीकॉप्टर से उड़ना बंद किया, उन्होंने गांव-गांव में मेडिकल कैंप लगा दिए, बोले दिन के उजाले में हम उनका इलाज करते हैं और रात के अंधेरे में हम उनको फिल्में दिखाते हैं, तो हम उन्हें व्यस्त रखते हैं, तो हमारे ऊपर अटैक होना कम हुआ। किंतु जो अब खतरा पैदा हुआ है, ये जो सोमालियंस के हाथ में असला आ गया, और वो असला का जो प्रयोग हो रहा, दुरुपयोग, एक नया फिनोमिना जो आया है सामने, उससे सोमालिया के खिलाफ, देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2008, 1814, 1816, 2008, 1838, 2008, 1844, 2008, 1846, 2008, 1851, 2008 और 1897, 2009, इतने रिजोल्यूशन पास हो चुके हैं वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर में। पर उसके बाद जो 2 रिजोल्यूशन पास हुए 1897 और ये जो 1918-2010 का, ये रिजोल्यूशन सिर्फ पायरेसी पर है। ये जो समुद्री लुटेरे जो आप फिल्मों में कभी देखा करते थे, और वो सैंडोकान जो देखा आपने, और वो पिक्चरें जो देखा करते थे, वो वैसे समुद्री लुटेरे नहीं हैं। इनके पास में ऐसे ऐसे असले हैं
जो कि वो कब्जा कर ले रहे हैं। हमारा सीधा सा कहना है कि शिपिंग इंडस्ट्री जहां भी हो, वार मैरीटाइम वाटर ट्रीटी और मैरीटाइम इंटरनेशनल वाटर ऑर्गेनाइजेशन करके ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बीच में ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन डिजबॉटी कोड ऑफ कंडक्ट, वो एक कंडक्ट है जिसमें वहाँ पानी में शांति, समुद्री पानी में शांति रखने का और अच्छे से बिना किसी रोक टोक के लोग अपना आवाजावा कर सके उसके लिए व्यवस्था की गई है, पर वो सब फेल हो रही हैं इंडियन ओशन और इसमें। ये विषय भी आज उठा पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट में उठा और उसका जवाब मंत्री महोदय नहीं दे सके, हम उससे संतुष्ट नहीं हुए। क्या ऐसा है कि उसने 22 करोड़ रुपया मांगा है, 300 करोड़ नहीं 22 करोड़ रुपया मांगा है, 300 करोड़ नहीं 22 करोड़ मांगा है सिर्फ। और हम ये नहीं चाहते कि वो आप पैसा देकर निगोशिएट करिए या क्या करिए, हम चाहते हैं भारतीय बच्चों को वापस लाया जाए। उसके लिए आपको फिरौती देनी पड़ती है, फिरौती दीजिए, निगोशिएट करके ला सकते हैं निगोशिएट करके लाइए, बलपूर्वक ला सकते हैं बलपूर्वक लाइए, उनको लाइए वापस। और जहाज भी नहीं, अगर आप उस जहाज का मालिक कहता है कि नहीं लेना है तो जहाज से चिट्ठी ले लीजिए जहाज के मालिक से, ठीक है भैया हम इसको छुड़ा लेंगे और उसके बाद भावनगर में आके तोड़कर हम इसको बेच डालेंगे स्क्रैप, पैसा वसूल हो जाएगा। किंतु भारतीय बच्चों को तो छुड़ा के लाइए, भारतीय बच्चों को तो छुड़ा के लाइए। प्रश्नकाल 2 से 3 कर दिया गया तो 3 बजे प्रश्नकाल खत्म करके तो राज्यसभा से चलकर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुंचने में जितना समय लगता है उतना लग गया। आप लोग की सहमति से हुआ था ना? आज सुबह लोकसभा कश्यप जी जो छत्तीसगढ़ के सांसद हैं हमारे लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के, उनके देहांत के कारण शोक प्रस्ताव रखने के बाद स्थगित हो गया दिन भर के लिए। राज्यसभा में बिहार में जाटों के आरक्षण के लेकर जो पथ अवरोध और रेल पटरी अवरोध चल रहा है और जिसके कारण बिहार से बंगाल से उत्तर प्रदेश द्वारा पास करते हुए खास करके वेस्टर्न यूपी के इलाके को पास करते हुए जो ट्रेनें आ रही, चाहे वो हरियाणा जाती हों चाहे दिल्ली आती हों चाहे पंजाब जाती हों, उन पर सब पर भारी अवरोध है और लोग का आना जाना बंद हुआ हुआ है। इसको लेकर कि सरकार, केंद्र सरकार, क्योंकि रेल की पटरी केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है तो मध्यस्थता करके कोई रास्ता निकाले, और आरक्षण भी केंद्र सरकार ने ही देना है, आरक्षण की सूची भी केंद्र सरकार ने बनानी है, तो इसकी मध्यस्थता करके कोई रास्ता निकाले कि ये अवरोध समाप्त हो सके। इस मुद्दे को मुख्तार अब्बास नकवी जी ने और सहयोगी ने उठाया। सोमालिया का विषय आज पुनः राज्यसभा में उठा। कल एक रात को खबर आई थी कि 11 भारतीय सैनिक सेलर्स उनको छोड़ दिया गया। चेक करने पर पता लगा कि उनको छुड़ाने वाली भारतीय सरकार नहीं है, उनको छुड़ाने वाले स्पैनिश नेवल फोर्स है।